जय सियाराम दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक उड़ीसा का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है उड़ीसा फायरमैन एंड ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2023 का, और इसमें आपके 941 यहाँ पे सीट्स, 941 यहाँ पे वैकेंसीज निकली हैं फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर के लिए, ठीक है। और 12 पास इसमें रिक्वायरमेंट है। अगर आपने प्लस टू यानी ये 12वीं कक्षा अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल जानेंगे कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसका कितने पोस्ट हैं, सारी डिटेल्स हम जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं ये किसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है। यह है ओडिशा फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज OFES की तरफ से। और कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं? ओडिशा के ऑल कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें जो पोस्ट है वो फायरमैन के लिए है 826 और फायरमैन ड्राइवर्स के लिए है 115, यानी कि 941 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट है वो है आज 1 सितंबर 2023 को, और लास्ट डेट है इसका 30 सितंबर 2023, यानी कि पूरा एक महीने का टाइम आपके पास है अप्लाई करने के लिए। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे करेंगे उसका वेबसाइट वगैरह मैं आपको बता दूंगा। कौन इसमें लोकेशन जो है वो कहाँ का है, वो है अक्रॉस ओडिशा, ठीक है। और यहाँ पे जो फीस है वो है ज़ीरो, कोई भी फीस यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट देखिए, यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 25 साल होना चाहिए। 25 साल के मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। लेकिन एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर एज पर रूल्स, मतलब SC ST और OBC कोटा के लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन रखा गया है, ठीक है। चलिए अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 12th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। प्लस टू आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 12वीं कक्षा आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, फायरमैन के लिए। और फायरमैन का जो ड्राइवर है इसमें भी कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 12th विद ड्राइविंग लाइसेंस। फायरमैन ड्राइवर जो है उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रॉपर होना चाहिए उनके पास, और 12th यहाँ पे वो भी कंप्लीट करने चाहिए। सैलरी जो है वो 19,900 पर मंथ की सैलरी यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो तीन तरह के हैं। रिटन एग्जामिनेशन लिए जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसे PET कहते हैं, और डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का भी यहाँ पे ऑप्शन है, वो वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो है आपका फुल मार्क, फायरमैन के लिए फुल मार्क 100 का रहेगा, क्वेश्चंस उसमें 100 रहेंगे, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। और क्वेश्चन टाइप जो है वो है आपके MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और सब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, ओडिया लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ जिसे हम जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल और IT स्किल्स का भी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। ये है आपका फायरमैन के लिए। और फायरमैन ड्राइवर के लिए भी वही सेम फुल मार्क 100 का, और क्वेश्चन रहेंगे 100 और टाइम ड्यूरेशन है वही 2 घंटा। यहाँ पे क्वेश्चन टाइप जो है वो MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, और सब्जेक्ट इसमें थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, ओडिया है, जनरल स्टडीज़ है, कंप्यूटर फंडामेंटल और IT स्किल है, और ट्रेड सब्जेक्ट एक तो है, ठीक है। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपका एक भी आंसर गलत हुआ तो 0.25 मार्क यहाँ पे आपके काट दिए जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो चलिए अभी हम फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में यानी कि PET में क्या क्या यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है लोड कैरिंग, 63 kg ऑफ सैंड इन बैग, यानी कि रेत भर दी जाएगी बैग में और आपको उसे लेकर 100 मीटर यहाँ पर जाना है, ठीक है, 60 सेकंड के अंदर। अगर आपने 60 सेकंड के अंदर इसे कर लिया तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे, और अगर 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग गया तो आप हो जाएंगे डिसक्वालीफाइड, ठीक है। 63 kg का रहेगा सैंड बैग, ठीक है। नेक्स्ट है रोप क्लाइंबिंग, जो कि है फायरमैन के लिए। रोप क्लाइंबिंग है ये कि ईच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्लाइंब अप टू हाइट 6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल यूजिंग हिज हैंड्स ओनली, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स। 6 मीटर तक आपको रस्सी पे ऊपर की तरफ जाना है, रोप क्लाइंबिंग करनी है आपको, ठीक है। और आपको 3 यहाँ पे मौके दिए जाएंगे, 3 अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं, ठीक है, 6 मीटर तक जाना है। चलिए ये हो गया। अभी है स्विमिंग का, जो कि है 100 मीटर्स का, वो फायरमैन एंड ड्राइवर दोनों के लिए है।
इफ़ कवर्ड विद इन 8 मिनट्स तो क्वालिफाई होंगे। 8 मिनट के अंदर अगर आप 100 मीटर यहाँ पे स्विमिंग कर लिए तो आप क्वालिफाई होंगे, अगर 8 मिनट से ज़्यादा लग गए तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद है 1.6 किलोमीटर का आपको यहाँ पे रनिंग करनी है, वो भी 7 मिनट के अंदर तो ही क्वालिफाई होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई जंप करनी है 1.22 मीटर्स का, ठीक है, और इसमें 3 चांस आपको मिलेंगे क्वालिफाई होने के लिए। फिर है ब्रॉड जंप, जिसमें आपको 3.66 मीटर तक करना है, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ये फायरमैन और ड्राइवर दोनों के लिए है। नेक्स्ट है क्रस कंट्री, ये क्रस कंट्री क्या है, 5 किलोमीटर का है विद इन 25 मिनट के अंदर। इसमें मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है ये क्रॉस कंट्री क्या है, आप लोग शायद इस फील्ड के होंगे तो आपको पता होगा, माफ़ कीजिएगा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिर भी ये दोनों के लिए है, फायरमैन और ड्राइवर दोनों के लिए है। 25 मिनट के अंदर आपको ये करना है, 3 चांस आपको इसमें मिलेंगे, और अगर कर लिए तो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स जो हैं वो कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो भी यहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। और अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए भी जो लिंक है वो भी मैं दे दूँगा, डाउनलोड PDF कर सकते हैं आप। देखिए PDF में जो है मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है वो नोटिफिकेशन, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ओडिया में लिखा हुआ है सब कुछ, सारे डिटेल्स आपको इसी में मिल जाएंगे, पोस्ट के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, पूरे डिटेल ओडिया में यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप जान सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।